नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। उत्तर प्रदेश में रविवार को विधानसभा चुनाव के पांचवें चरण के लिए मतदान हुआ। इस चरण में 12 जिलों की 61 सीटों पर 57% से ज्यादा वोट पड़े, लेकिन जो मतदान की गति है वो अगर पिछले चुनाव यानी कि 2017 के उत्तर प्रदेश के चुनाव के आधार पर देखें तो कम दिखाई दे रही है। और ये कमी क्या सत्ताधारी पार्टी की मुश्किलें बढ़ा सकती है या विपक्ष के लिए परेशानी खड़ी कर सकती है? क्या हो सकता है आने वाले चुनावों का परिणाम, देखिए प्राइम टीवी की इस खास रिपोर्ट में। यूपी में पांचवें चरण में वोटिंग हो गई है। इस चरण में अयोध्या समेत 12 जिलों की 61 सीटों पर मतदान डाले गए हैं। मतदान के लिए लंबी लंबी कतारें देखी गईं, लेकिन शाम को जब चुनाव आयोग ने आंकड़े पेश करके बताए तो कई सवाल खड़े हुए। चुनाव आयोग के मुताबिक शाम 6 बजे तक पांचवें चरण की 61 सीटों पर कुल 57.32% मतदान हुआ। वहीं अगर बात 2017 की जाए तो 2017 में 58.24% मतदान हुआ था। अब सवाल ये है कि कम वोटिंग का किस पर असर पड़ेगा। वैसे चुनाव विश्लेषक अब तक ये दावा कर रहे हैं कि ज्यादा वोटिंग बदलाव को लेकर होती है, जबकि कम मतदान मौजूदा सरकार पर दोबारा मोहर के संकेत है। लेकिन इस बार कहानी थोड़ी अलग है। शहरी सीटों में मतदान का प्रतिशत थोड़ा कम रहा, जहां बीजेपी के वोटर ज्यादा है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में खूब वोट पड़े जहां किसानों का जोर है। और ये बात तो किसी से छिपी नहीं है कि कृषि कानूनों को लेकर इस बार किसान बीजेपी से खासा नाराज हैं। बता दें कि पांचवें चरण के लिए 692 उम्मीदवार मैदान में थे। इस चरण में 2.24 करोड़ वोटर्स थे। चुनाव आयोग के मुताबिक अमेठी में 55.83%, अयोध्या में 58.01%, बहराइच में 57.07%, बाराबंकी में 54.65%, चित्रकूट में 61.34%, गोंडा में 56.03% मतदान हुआ। वहीं कौशाम्बी में 59.56%, प्रतापगढ़ में 52.65%, प्रयागराज में 53.77%, रायबरेली में 56.62%, श्रावस्ती में 57.24% और सुल्तानपुर में 56.42% वोटिंग हुई। लेकिन मतदान में कमी बीजेपी के लिए फायदेमंद रहेगी या जनता फिर बदलाव के मूड में है, ये तो 10 मार्च को ही पता चलेगा। प्राइम टीवी के लिए आरती तिवारी की रिपोर्ट। आपने पांचवें चरण के मतदान के आंकड़े जाने, इस बार पिछली बार के मुकाबले बहुत कम वोटिंग रही है, तो ये दोनों के लिए ही कहीं ना कहीं मुसीबत बन सकती है। लेकिन अगर बात करी जाए उत्तर प्रदेश के पूरे चुनाव की, तो इसका परिणाम 10 तारीख को आएगा और तभी पता चलेगा कि आखिर जनता का फैसला क्या है। तब तक के लिए हर एक अपडेट के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।